लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर कमी की है। हालांकि क्रूड ऑयल के दाम बहुत पहले ही कम हो चुके थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का कारवां बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस बाइंड अप होती जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 2 रुपए की कमी करते हुए ऐतिहासिक निर्णय किया है। 2 साल में 15 रुपए पेट्रोल और 17 रुपए डीजल में कटौती करने का काम हुआ है। वीडी शर्मा ने बताया कि जैन समाज के अध्ययन केंद्र के लिए इंदौर में विश्वविद्यालय स्थापित होगा। पीएम मोदी ने 25 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी की इस यात्रा में लगातार कारवा बढ़ता जा रहा है। अन्य समाज और सेगमेंट के एक्टिविस्ट भी बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। जीतू पटवारी और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस वाइंड अप हो रही है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की कमी करके किसानों से लेकर सभी समाज वर्गों के लोगों को जो लाभान्वित किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश की ओर से कि माननीय प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करके ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विगत 2.5 वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 रुपए के करीब पेट्रोल पर और 17 रुपए के करीब डीजल पर इतने कार्यकाल में उनकी कीमतों में कमी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।